बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्रॉन में आप तमाम नाजिन का खैर मकदम। और इस वक्त की बड़ी खबर सरहदी ज़िला राजौरी से हम आपको देते चलते हैं। जिस तरीके से ज़िला तरक्याती पुंछ की तरफ से एक आर्डर निकाला गया था कि जितने भी फायर क्रैकर्स जो हैं, जो पटाखे हम शादी ब्याह के सीज़न में जो हम फोड़ते हैं, उसको बैन किया गया। उसी तरीके की एक बड़ी खबर सरहदी ज़िला राजौरी से आ रही है, जहाँ पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी विकास कुंदल ने जो है वो अभी अभी एक आर्डर जारी किया, एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो पटाखे हैं इनको बेचने पे भी बैन है और शादी ब्याह में इनको जलाने पे भी बैन किया गया है। पूरी खबर क्या है हम आपको बताते हैं। हालांकि जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि राजौरी और पुंछ में आए दिन पिछले कई दिनों से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एनकाउंटर्स और काफ़ी सारे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो जंगजू की तरफ से हमला किया गया है, जिसमें भाटा दूड़ियाँ हो या राजौरी का कंडी इलाका हो, अलग अलग जगहों पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं लुकमायाजल हुए हैं। लेकिन उसी के साथ में ये देखा गया कि राजौरी और पुंछ में जिस तरीके से अब शादी ब्याह का सीज़न है, तो उसमें लोग जो हैं वो अपने शादी ब्याह में अपनी खुशी में कहीं ना कहीं पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन वो पटाखे फोड़ना खासकर रात के अमल में इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है, खासकर रात के अमल में भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बनती है। कहीं ना कहीं ये पता नहीं चलता है कि ये पटाखे हैं या फायर है। उसी के चलते ज़िला तरक्याती कमिश्नर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उनको यह हदायत जारी की है, ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने, कि पटाखा फोड़ना और पटाखा बेचना, हालांकि ये फायर क्रैकर्स जितने भी इसमें आते हैं उन सबको बैन कर दिया गया है, ताकि इस राजौरी ज़िला के अंदर, पुंछ ज़िला के अंदर जो है वो पहले ही ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने इसको बैन किया था, आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने भी इसको बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है आप तमाम लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अपने शादी ब्याह में पटाखे ना फोड़ें, परहेज़ करें, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतज़ामिया का बिल्कुल साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का।